वेलकम टू माई चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय सायमा खान। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही क्विक, इंस्टेंट और जल्दी बनने वाली बिरयानी बना रही हूँ, जो आपको सिर्फ 25 से 30 मिनट में बन जाएगी। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हैं, आपको मैं जल्दी बताऊँगी। ये मेरे पास 1 कप ऑयल है, इसको हम डालेंगे कुकर में। मेरे पास 2 बड़ी कटी हुई प्याज हैं, जो लच्छा प्याज काट लिए, तकरीबन ये साइज होगा आपकी प्याज का, फ्राई कर लेंगे। टमाटर अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें फिर प्याज लाइट ब्राउन करना है। फ्लेम हाई पे रखेंगे ताकि प्याज हमारी जल्दी ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं और मिलते हैं आपसे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये हमारा, हमें 5 से 8 मिनट लगे हैं अपनी प्याज ब्राउन करने में, और ये देखें ये इस तरह ब्राउन प्याज हो गई है। बस यहाँ से इससे ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है। तो इसके फौरन बाद ही हम इसमें, अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो चिकन यूज़ कर लें, मैं मटन यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 पाव मटन है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मैं मटन यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं कुकर में इसको कुक कर रही हूँ, ताकि मैं प्रेशर देके इसको जल्दी से कुक कर लूँ। अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेशर कुकर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको पतीली में बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगी। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। मटन डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करने के बाद बिल्कुल देर करते हुए, और हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर। ये मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं फुल साइज़ वाले, तो ये 2 हैं, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। चलाएंगे इसको अच्छे से, मिक्स करेंगे। चूल्हा अपना हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। अच्छा, अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखें मेरे पास ना रेडीमेड बिरयानी मसाला है, ये मैं डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है, ये वाले 2 चम्मच, ठीक है, ये आप देख लें, इसको मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इस बिरयानी मसाले के साथ में थोड़े से मसाले, थोड़े स्पाइसेस और ऐड करूँगी अपने। इसमें मैं डालूँगी 1 छोटा टेबल स्पून सॉल्ट, और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, और 1 मिर्चा ये देगी मिर्च डालूँगी, कश्मीरी मिर्च, तलहार मिर्च इसको कहते हैं, आप जो भी कह लें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसका, बिरयानी का। इसको चलाएँगे अच्छी तरह। देखिए हमने प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर दे दिया है, और उसके बाद हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। तो आलू हमारे ऑलमोस्ट तकरीबन डन ही हैं, ये देखें मसाले के साथ, ये देखें ये बिल्कुल गल रहे हैं। तो हम इसको इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा अगर हम इसको गलाएंगे तो ये टूट जाएंगे और दम करते वक्त उसमें मैश हो जाएंगे। तो अब हम बस सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, अब यहाँ पर हम इसको दम देंगे। ये देखें मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 है, ये मैंने इनको 2 टुकड़े कर लिया है, ये डाल देंगे। और ये थोड़ा सा पुदीना है, इसको इस तरह डाल देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत टिपिकल टाइम हो जाता है और फिर मुश्किल भी होती है। जो नए कुक करने वाले कुकिंग कर रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं कि कितना डालना है और कितना नहीं डालना है। तो बस ये यहाँ पर हमारा, हमने अपना मसाला इसमें डाल दिया है सारा, और इसके बाद ये हमने धनिया पुदीना इसमें डाल दिया, और कुछ भी नहीं डालना है। देखें इसकी तकरीबन, इसमें आपको नज़र आएगा ये इतना पानी, इतना लिक्विड होना चाहिए, ऐसा लिक्विडी बस। अब हम क्या करेंगे, ये हमने आपको चावल दिखाए थे, चावल हमने बॉईल कर लिए हैं, ठीक, इसमें हमने सिर्फ सिंपल नमक डाल के और इसको बॉईल कर लिया है, और हम तय नहीं लगाएंगे, बस हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए तय नहीं लगाएंगे, सिर्फ मसाले के ऊपर आपको राइस डालना है। ये राइस डालनी है आपने,
इसको हल्का सा बिल्कुल एक जगह कर देंगे। अगर आप फूड कलर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं करते तो स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, अगर डालना चाहूँगी, नहीं डालना तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसको इसके बाद मैं इसको बस दम लगाऊंगी इसको, और इसके नीचे मैं तवा रख दूंगी, तवा रख दूंगी और इसको लो फ्लेम बिल्कुल कर दूंगी। अभी मैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करूंगी, उसके बाद में 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे रखूंगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास प्लेन योगर्ट है, प्लेन योगर्ट, जिसको प्लेन योगर्ट खाना हो वो खा सकते हैं। और दूसरा मेरे पास ये एक दही है, ये भी प्लेन योगर्ट है, इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, और ये थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। ये मेरे पास एक मैशर है, ये देखें, इसमें मैंने पुदीना डाला है और नमक है और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी अपना, ये मेरा फुल क्रीमी मलाई वाला दही है। मलाई के साथ ही होता है, ज़रा दही की थिकनेस अच्छी रहती है, वो आपको रायते में अच्छा ज़रा फील आता है, वरना वो बिल्कुल पानी पानी वाला बिल्कुल रायता हो जाता है। तो पानी डाल के वैसे भी कर सकते हैं, इसको मैं इसमें मैश कर दूँगी। ऐड कर लूँगी, फिर मैं इसमें डाल के आपको ऐड करके दिखाती हूँ। वेलकम बैक, ये देखें हमारे राइस दम हो गए। 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा था, और 5 मिनट के बाद हमने इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है, तकरीबन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, बिल्कुल छोटा। अब हम आपको दिखाते हैं इसको, ये देखिए, ये इसका लुक है। अच्छा, फूड कलर ऑप्शनल था, हमने डाला है, हमें थोड़ा पसंद है तो हमने डाल दिया, ज़रा लुक अच्छा था। आप नहीं डालना चाहें तो ना डालिएगा। इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल दम हो गए चावल, ये मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ, इस तरह डिश आउट करके, ये देखें। बहुत क्विक बिरयानी है ये, और बहुत जल्दी बनती है। तकरीबन अगर आपके पास सारी चीज़ें रेडी हैं तो 30 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो जो लोग जल्दी पकाना चाहें या कुक करना चाहें तो वो सो कर सकते हैं। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही कम टाइम लगता है, चिकन में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी से आपका रेडी हो जाता है और प्रेशर की कुकर की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत अच्छा और आसान है। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये चावल और ये बिरयानी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफज़ाई होगी और हम कुछ और अच्छी नई डिशेज़ बना लेंगे जो आप कहेंगे। अगर आप हमसे कुछ और सिंपल और इजी रेसिपीज़ बनवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारी हौसला अफज़ाई करें। अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। ये भी